अमेरिकन साइको। कहानी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क में 1987 का टाइम देखते हैं, जहां एक इन्वेस्टमेंट बैंकर पैट्रिक अपने साथी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था। इससे हम समझ पाती हैं कि पैट्रिक काफी रिच आदमी है और उसे शाही शौक पसंद है। इसी बीच पता चलता है कि वो अपने सभी साथियों से नफरत भी करता है, क्योंकि वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। इसके बाद वो एक बार में जाता है, जहाँ बार टेंडर लेडी उसे ड्रिंक के पैसे मांगने लगती है। पहले तो वो उसे पैसे दे देता है, लेकिन बाद में उसे गाली सुनाने लगता है, जिस वजह से वो उसे पैसे वापस कर देती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो काफी कंजूस भी है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी की काफी अच्छे से केयर करता है। अब रात में वो एक डोर्जिया नाम की लड़की को डेट करता है, और अगले दिन दोपहर के टाइम टेलर की शॉप में जाकर उससे बहस करने लगता है, क्योंकि उसने अभी तक उसका सूट ठीक नहीं किया था। अब यहाँ एक लड़की आती है जो कि उसे जानती थी। इसके बाद वो शांत हो जाता है और उस लड़की को अगले सैटरडे में डेट पर चलने को कहता है, जिस पर वो आने के लिए तैयार हो जाती है। खैर, अगले दिन ऑफिस मीटिंग में हम देखते हैं कि पैट्रिक एक अलग ही सूट पहनकर आया है और वो नहीं चाहता कि कोई भी उससे अच्छा दिखे। अब यहाँ हम एक पॉल नाम के आदमी को देखते हैं, जिससे पैट्रिक काफी नफरत करता है, लेकिन उसके सामने वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। यहाँ पॉल अपना एक बिजनेस कार्ड टिमथी को देकर चला जाता है। अब कुछ देर बाद पैट्रिक सभी को अपना कार्ड दिखाने लगता है, जो कि काफी अच्छे से प्रिंट किया गया था। उसके बाकी के साथी भी अपना कार्ड दिखाते हैं, लेकिन उससे अच्छा किसी का नहीं था। वो टिमथी से पॉल का कार्ड दिखाने को कहता है, और जब वो लोग उसका कार्ड देखते हैं तो काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो देखने में काफी प्रोफेशनल लग रहा था। लेकिन पैट्रिक उसका कार्ड देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि सब अब पॉल के कार्ड की तारीफ करने लगे थे। अब उसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि कैसे पॉल उससे किसी चीज में आगे निकल सकता है। अब रात में वो गुस्से में आकर अपने घर जा रहा होता है। इसी बीच उसे एक बैगर मिलता है और उससे फूड मांगने लगता है। पहले तो पैट्रिक उससे पूछता है कि वो कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेता, लेकिन इस वक्त उसे काफी भूख लग रही थी, इस वजह से वो उसे बार बार खाना मांगने लगता है। तभी पैट्रिक अपने बैग से चाकू निकालता है और उसके पेट में धसाकर उसे मार देता है। साथ ही वो उस बैगर के कुत्ते को भी मार देता है। इससे हम समझ पाते हैं कि वो अपनी मनमानी के लिए किसी को भी मार सकता है। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहां क्रिसमस का दिन आ चुका था। वो सभी एक पार्टी में मिलते हैं, जहां पैट्रिक की फाइनेंस एवेलिन भी आई हुई थी। खैर, पैट्रिक पॉल से मिलता है और उसे अपने साथ डिनर पर इन्वाइट करने लगता है। पॉल उसकी बात मान लेता है और दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में आकर डिनर करने लगते हैं। यहाँ पॉल ड्रिंक पीने की वजह से काफी नशे में आ जाता है, जिसके बाद पैट्रिक उसे अपने घर ले आता है। इसी बीच हम देखते हैं कि पैट्रिक घर आकर एक रेन कोट पहन लेता है और बाद में एक म्यूजिक को तेज आवाज में प्ले कर देता है। असल में पैट्रिक यहाँ उसे मारने लाया था। अब वो एक कुल्हाड़ी लेता है और एक ही बार में पॉल पर अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद वो कुल्हाड़ी से उस पर बार बार अटैक करता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि वो एक साइकिक इंसान है। ये सब वो उसी कार्ड की वजह से कर रहा था। खैर, अब वो उसकी बॉडी को बैग में रखकर ठिकाने लगाने जाने लगता है। जब वो उस बैग को गाड़ी में रख रहा होता है, तभी यहाँ उसका एक साथी लुइस आ जाता है, लेकिन पैट्रिक उसे भाव नहीं देता और बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है। अब वो जल्दी से पॉल के घर आ जाता है और वहाँ से उसका कुछ सामान पैक करके लंदन भेज देता है, और साथ ही पॉल की आवाज में एक वॉइस मेल कर देता है कि वो इस वक्त लंदन में है। पैट्रिक ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो कोई उस पर शक नहीं करेगा, क्योंकि सबको यही लगेगा कि पॉल इस वक्त लंदन में है। अगले दिन पैट्रिक के ऑफिस में डिटेक्टिव आता है, जिसका नाम डोनाल्ड था। वो यहाँ उसे बताता है कि कल से पॉल उन्हें नहीं मिल रहा। फिर डोनाल्ड उससे उसके ही बारे में सवाल करने लगता है कि वो कहाँ से ग्रेजुएट है और कहाँ रहता है। फिर बाद में उससे पॉल के बारे में पूछने लगता है कि उसकी नजरों में वो कैसा है। तब पैट्रिक उसे बताता है कि पॉल एक अच्छा इंसान नहीं है, वो ड्रग्स का यूज करता है और काफी घमंडी भी है। इसके बाद डोनाल्ड अभी के लिए यहाँ से चला जाता है। अब रात में पैट्रिक घर जाते वक्त रास्ते में से एक लड़की क्रिस्टी को पैसों का लालच देकर अपने साथ ले जाता है, और एक दूसरी लड़की को फोन करके बुला लेता है। यहाँ वो उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो उन दोनों को खुद का नाम पॉल बताता है, जिससे उन्हें उसका असली नाम पता ना चल सके। अब कुछ टाइम बाद वो उनके साथ इंटीमेट होने लगता है। यहाँ वो इंटीमेट होते वक्त उनकी वीडियो भी बना रहा था। अगले दिन सुबह में जब दोनों लड़कियां घर जाने को कहती हैं, तो उन्हें वहाँ जाने से मना करता है और एक धार धार टूल लेकर उन्हें हर्ट करना शुरू कर देता है। इसके बाद जब उसका उनसे मन भर जाता है, तो उन्हें पैसे देकर यहाँ से भेज देता है। अब अगले दिन वो फिर से अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट में एंजॉय कर रहा था, तभी यहाँ लुइस आता है और उन्हें अपना बिजनेस कार्ड दिखाने लगता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा था। लेकिन पैट्रिक को फिर से अपने अलावा किसी का कार्ड पसंद नहीं आता, जिस वजह से वो फिर से अग्रेसिव दिखने लगता है। अब वो जल्दी से लुइस के पीछे बाथरूम में जाता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन लुइस एक गे था और वो उसकी बातों को मजाकों में लेने लगता है, जिस वजह से पैट्रिक उसे नहीं मार पाता और वहाँ से बाहर आ जाता है। अब उससे मिलने उसके ऑफिस में फिर से डोनाल्ड आता है और पूछने लगता है कि इस वीक वो कहाँ था, लेकिन पैट्रिक उसे कोई
कोई बात ठीक से नहीं बताता के बाद डोनाल्ड उसे 2 दिन बाद लंच आने को कहता है ताकि वो बाकी बातें वहाँ कर सके। इस पर पैट्रिक हाँ कर देता है। अब पैट्रिक डोनाल्ड के सवालों से पक गया था और अपना गुस्सा निकालने के लिए एक लड़की कोर्टनी के पास जाता है जो कि उसके साथी फ्रेंड की फियांसे है। दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं और कुछ देर बाद में पैट्रिक यहाँ से चला जाता है। अब रात में वो एक बार में आता है और एक तरफ आकर ड्रग्स को कंज्यूम करने लगता है। इसके बाद वो यहाँ से भी एक लड़की को अपने साथ ले आता है और उसके साथ भी इंटीमेट हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में उसकी असिस्टेंट जीन उससे मिलने आती है, जिस पर पैट्रिक उसे आज रात अपने घर ड्रिंक पर इनवाइट कर देता है और वो आने को तैयार हो जाती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जीन उसके घर आई होती है। यहाँ वो एक जगह बैठकर खुद से ही बातें कर रही होती है। तभी पैट्रिक अलमारी से एक स्टेप गन लाता है और जीन के सर पर स्टेप करने ही वाला होता है। तभी उसकी फियांसे एवेलिन का फोन आ जाता है और वो उसे फोन पर ही सुनाने लगती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीन उसके घर पर है। इसके बाद पैट्रिक जीन को घर से भेज देता है। अब अगले दिन पैट्रिक और डोनाल्ड एक रेस्टोरेंट में बैठकर लंच कर रहे होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि डोनाल्ड को शक होने लगा है कि उसे गायब करने में उसके ही साथियों का हाथ है। ये सुनकर पैट्रिक की हालत खराब होने लगती है लेकिन फिर भी वो उसके सामने नॉर्मल बिहेव करता है। अब रात में वो फिर से रोड वाली लड़की क्रिस्टी के पास जाता है और उसे फिर से साथ चलने को कहने लगता है लेकिन इस बार वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। इसके बाद पैट्रिक उसे ज्यादा पैसों का लालच देकर उसे अपने साथ ले ही जाता है। साथ ही वो दूसरी लड़की को भी फिर से बुला लेता है। अब वो उन दोनों को लेकर अपने एक नए अपार्टमेंट में आ जाता है जो कि बिल्कुल सुनसान था। अब वो दोनों की ड्रिंक में दवाई मिला देता है जिससे दोनों जल्द ही नशे में आ जाती हैं। इसके बाद वो दोनों के साथ इंटीमेट होता है और तभी वो दूसरी लड़की को चाकू से काट देता है, इससे उसका खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर क्रिस्टी डर जाती है और जल्दी से यहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए एक दूसरे कमरे में आती है जहाँ उसे काफी लोगों की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी उन्हें भी उसने ही मारा था। अब इधर पैट्रिक एक चांस लेकर उसके पीछे पड़ जाता है। क्रिस्टी भागती हुई सीढ़ियों से जाने लगती है तभी ऊपर से पैट्रिक चांसो को फेंक देता है जो कि सीधा आकर उसके लग जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन वो अपनी फियांसे एवेलिन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम मेरे लायक नहीं हो, जिस वजह से उसे काफी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अब पैट्रिक उसे वहीं छोड़कर बाहर आ जाता है। खैर वो रात में एक एटीएम से पैसे निकाल रहा था तभी उसके पास एक कैट आती है और हम देखते हैं कि एटीएम की स्क्रीन पर लिखा है कि कैट को मुझे खिलाओ, यानी वो एटीएम उस कैट को खाना चाहता है। अब पैट्रिक उस कैट को उठाकर गन से शूट करने लगता है। इसी बीच यहाँ एक ओल्ड लेडी आ जाती है और उसे ऐसा करने से मना करने लगती है। तभी पैट्रिक उस लेडी को ही शूट करके मार देता है। अब गोली की आवाज सुनकर पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और पैट्रिक उनसे बचने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसका पीछा नहीं छोड़ते। इसके बाद पैट्रिक गन से वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों को मार देता है। इसके बाद वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है जहाँ रास्ते में आने वाले पियोन और स्वीपर को भी वो शूट करके मार देता है। तभी हम देखते हैं कि वो सब उसकी इमेजिनेशन है, यानी उसने ना ही पुलिस वालों को मारा है और ना ही पियोन और स्वीपर को। अब वो जल्दी से अपने कमरे में आता है और उसने जो अभी तक किया उससे उसका अफसोस होने लगता है। वो अपने लॉयर हैरोल्ड को फोन करने लगता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। इसके बाद पैट्रिक उसे वॉइस मैसेज भेज देता है जिसमें वो मान लेता है कि उसने अभी अभी काफी लोगों को मारा है और पिछले दिनों में उसने काफी सारे कत्ल किए हैं और पॉल को भी जान से मार डाला। अब अगली सुबह पैट्रिक पॉल के अपार्टमेंट में जाता है ताकि वहाँ अगर कोई सबूत हो तो उसे मिटा सके, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ कोई सामान नहीं होता बल्कि वहाँ कुछ लोग सफाई कर रहे होते हैं और उसका घर सील होने वाला था। वो अलमारी भी चेक करता है लेकिन उसे वहाँ कोई भी डेड बॉडी दिखाई नहीं देती, जिसका मतलब था कि वहाँ कोई बॉडी थी ही नहीं। लेकिन पैट्रिक को अब भी यकीन था कि उसी ने सारे खून किए हैं। अब कुछ देर बाद में वो डोनाल्ड से मिलता है जो उसे बताता है कि पॉल ठीक है और वो इस वक्त लंदन में है और ये खबर उसे वहाँ की पुलिस से मिली है। उसकी ये बातें सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बाहर निकलकर जीन को फोन करता है और कहता है कि उसे उसकी मदद करनी होगी, तुम्हें मुझे बचाना होगा क्योंकि मैंने काफी सारे खून किए हैं। उसकी ये बातें सुनकर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद जीन पैट्रिक के ऑफिस में जाकर ड्रॉवर को चेक करने लगती है। इसी बीच उसे एक फाइल मिलती है जिसमें उसने काफी मर्डर सीन वाली ड्रॉइंग्स बना रखी थी और ये सेम वैसी ही थी जैसे उसने मर्डर किए थे। दूसरी तरफ पैट्रिक एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ उसे हैरोल्ड मिलता है। वो उसके पास जाता है और अपने रात वाले मैसेज के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसे बताता है कि उसका वो मैसेज काफी ज्यादा फनी था और उसे पैट्रिक पर यकीन है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अब पैट्रिक यहाँ फिर से अपने सभी मर्डर कबूल करता है। इसके बाद हैरोल्ड उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले ही लंदन में उसने पॉल के साथ डिनर किया है और वो बिल्कुल ठीक है। पैट्रिक जब उसकी ये बात सुनता है तो काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि अभी भी उसे लग रहा था कि उसने सबको मार दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में पैट्रिक ने अपने माइंड में ही उन लोगों का खूनी खुद को मान लिया था जिनसे वो किसी भी तरह से नफरत करता था, लेकिन असल
असल में उसने किसी का मर्डर नहीं किया था, बल्कि वो अपनी इमेजिनेशन में ही लोगों को मारा करता था और वो उसे काफी रियल लगता था, जिस वजह से वो अभी भी खुद को उन सभी मर्डर्स का दोषी मान रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।